हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ पर मैं बना रही थी आलू बैंगन की सब्ज़ी। और यहाँ पर मैंने जीरा और हींग डाल दिया था, उसके बाद आलू और बैंगन मैंने कट करके रखी थी वो डाल रही थी। और ये सब्ज़ी मैं बना रही थी सुबह इनके लंच के लिए, क्योंकि ये लंच लेकर जाएंगे ऑफिस, तो इनके लंच के लिए मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी ही बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। चार मसाले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इन सबको डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और मिक्स करने के बाद देखिए, थोड़ी देर ना सब्ज़ी को ना, जब तक उसमें टेस्ट नहीं आता, जब तक उसे भूनते नहीं हम लोग अच्छे से, तो इसलिए जब भी कभी आप सब्ज़ी बनाओ तो तुरंत उसमें एकदम से मतलब पानी वगैरह ऐड ना करो, थोड़ी देर उसे भूनो 2-4 मिनट। और जब वो भुन जाए अच्छे से, तो उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया मैंने ताकि वो गल जाए, उसके बाद इसे ढककर रख दिया है। और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि थोड़े से ना बर्तन पड़े हुए थे, जो कि थोड़ा सा सुबह चाय वगैरह पी थी वो थे, दूध का भगोना था जो खाली किया था, और जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो सब मैं क्लीन कर लूँगी। और अभी सनी भी सो रहा था और बच्चे स्कूल गए हुए थे दोनों, तो मैंने सोचा चलिए फटाफट से साथ के साथ ये काम भी निपटा देती हूँ। तो बर्तन वगैरह तो देखिए थोड़े थोड़े अगर होते हैं ना, तो वही क्लीन कर लो जल्दी से तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर आप इकट्ठे कर लेते हो ना, तो फिर उनको ना धोना बहुत मुश्किल लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं, अभी वर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर इसी वजह से। तो इसीलिए मैं बर्तन क्लीन अभी हाथों हाथ कर रही थी कि थोड़े से ही बर्तन है, मैं चलो क्लीन कर देती हूँ। तो मेरे पास ना कोई भी मतलब अलमीरा वगैरह नहीं है, यहाँ किचन में ओपन है मेरी पूरी किचन, तो यहाँ पे ना धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है किचन के अंदर। तो और इधर ना बर्तन क्लीन करते करते ही सनी भी उठकर आ गया था, खा लिया है। और सनी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसी वजह से वो स्कूल नहीं जा रहा है 1-2 दिन से। और ये सब काम ना सनी को मतलब लेकर ही गोद में मुझे करने पड़ते हैं सुबह के टाइम में, 1-2 काम जो होते हैं। तो छोटे बच्चों के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है देखिए घर के काम करने में, क्योंकि जब छोटे बच्चे की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है तो बहुत मुश्किल होता है घर को मतलब घर में बच्चे के साथ में काम कर पाना। स्कूल चला जाता है तो थोड़ा इजी रहता है। तो इधर देखिए फिर मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी थी लगभग, थोड़ी बहुत रह गई थी, तो इसको मैं फिर से थोड़ी देर चला कर फिर से ढक कर रख दूँगी। मतलब थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर और थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला ये डालूँगी और इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी और ये सारी सब्ज़ी मतलब ये सब्ज़ी मतलब इनको रख दूँगी मैं टिफ़िन के अंदर, बच्चे नहीं खाएंगे ये वाली क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है। तो इधर सब्ज़ी वगैरह तैयार करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर वाले कमरे में, तो इधर ना ये गए थे गाड़ी साफ़ करनी थी इनको, तो यहाँ पर इनको ना पाइप वगैरह लगाना था बालकनी में, तो ये यहाँ पर बालकनी में पाइप लगा रहे थे, तो बोल रहे थे कि तुम यहीं पर बैठ जाओ थोड़ी देर, क्योंकि पाइप बार बार निकल रहा है। पापा क्या कर रही है नीचे? सुनी की पापा गाड़ी धो रहे हैं, गाड़ी क्या कर रहे हैं पापा? गाड़ी धो रहे हैं, गाड़ी देखो कि गाड़ी कैसे धो रहे हैं पापा। पापा जी गाड़ी कैसे धोते हैं? ओ पाइप खुल गया और यहाँ पर ना पाइप देखी निकल गया था, तो मैं इसे पाइप को लगाने गई थी, लगा रही थी, और ये ना इसकी ना निकल ही रहा था ये पाइप बार बार, क्योंकि नीचे ना गाड़ी धो रहे हैं तो प्रेशर बन रहा है थोड़ा सा, जिसकी वजह से पाइप बार बार निकल रहा था और नीचे से ऊपर की तरफ जाना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। और ये नीचे देखिए गाड़ी धो रहे हैं, काफ़ी दिन बाद ये वापस आए ना, 20 दिन बाद, तो गाड़ी की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। और ये देखिए है मेरे प्लांट्स, तो यहाँ पर देखिए छोटा सा ये वाला एलोवेरा का पेड़ हो रहा है एक और ये कोलियस का पेड़, और यहाँ पर ये गुलाब का था और ये भी एक एलोवेरा ही है, ये देखिए ये एलोवेरा का है और वो नागफनी का था, तो इसमें एक और पेड़ उगा रहा है छोटा सा, एक अलग लगा दूँ। जैसे फ्रिज में से वो पिला दे इसकी, क्या इसका जूस रखा है ना फ्रिज में, जूस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी आप नहा धोकर आई थी और बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, क्योंकि उनका हाफ डे था आज और कल से इनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं। एक की ऑनलाइन क्लासेस शुरू है, एक को स्कूल जाना है कल से। और सनी भी नहा चुका है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। और घर में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी थी, इतनी ज़्यादा क्योंकि कल आंधी आई थी जिसकी वजह से पूरे घर में धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा थी, उसको साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लग गया और इसी वजह से मैंने कुछ ही शूट नहीं किया, क्योंकि शूट करने के चक्कर में रहती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता
और बच्चे क्योंकि स्कूल से जल्दी आने वाले थे और सनी भी घर पर ही था क्योंकि उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा था। और बाकी अभी बच्चे स्कूल से आए तो बच्चे सुबह लंच नहीं लेकर गए थे, तो मैं इनको टिफिन नहीं दिया था, तो मैं इनके लिए बनाऊंगी आलू का पराठा। और ये देखिए लवी, लवी स्कूल से आई है अभी, ड्रेस नहीं चेंज की है इसने, तो ड्रेस चेंज करने जा रही है अपनी। तो चलिए चलती हूँ मैं भी किचन में और बनाती हूँ उनके लिए आलू का पराठा। तो ये देखिए ये है मेरी किचन, और देखिए किचन मेरी क्लीन पड़ी है, दूध बॉयल हो चुका है, और इधर देखिए सिंक वगैरह सब कुछ क्लीन पड़ी है ना। और ये देखिए इधर मेरी मिक्सी वगैरह सब कुछ रखी हुई है। तो अभी मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए पराठा आलू का, और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और देखिए यहाँ पर ना मैंने आलू कद्दूकस कर लिए थे, और सनी भी मेरे साथ ही खड़ा था, बहुत परेशान कर रहा था मुझे। और यहाँ पर ना धनिया मैंने डाल दिया था, नमक डाला था, मिर्च डाली थी, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी हींग, और ये सब डालकर मैं बनाऊंगी आलू की पिट्ठी। और आप लोग देख सकते हो छोटे बच्चे के साथ में काम कर पाना कितना मुश्किल होता है। एक हाउसवाइफ को कहने के लिए कहते हैं कि मतलब एक बालक की तो है, इसे संभाल सकते हो आराम से, बट बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चे के साथ में काम करना। और यहाँ पर मैं हरा धनिया डाल रही थी इसमें, आलू की जो पिट्ठी बना रही थी वो, और बच्चों को ना आलू का परांठा इसलिए दे रही थी क्योंकि ये बच्चे ना जल्दी ही आ गए थे, हाफ डे था इनका स्कूल में, तो ये थोड़ा सा जल्दी आ गए थे स्कूल से, जिसकी वजह से मतलब इन्हें नाश्ता बनाना था, मुझे परांठा चाहिए था इनको, तो इन्होंने बोला कि आलू का परांठा ही दे दो मम्मी बना के, तो मैं आलू का परांठा ही इनके लिए बना रही थी। और इधर ना लवी भी आ गई थी स्कूल से, तो वो कुछ बातें कर रही थी, मुझे बता रही थी अपने स्कूल के बारे में, क्योंकि अब इनकी ना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कल से, तो वही वो मुझे बता रही थी कि मम्मी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी कल से, तो आप मतलब मेरे को एक टेबल चेयर वगैरह उधर से ऐड कर दो कमरे में, तो मैं बैठ के कर लिया करूँगी। और उधर प्रॉब्लम ये रहती है कि जो वाईफाई लगा हुआ है ना मेरा, मेरा इधर की तरफ लगा हुआ है इस साइड, और दूसरी साइड वाईफाई के नेटवर्क बहुत कम जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है मुझे। और मेरे पास मतलब वही ना कि जैसा घर होता है, जिस तरह से हिसाब किताब होता है, उसी तरह से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो लाइफ में मतलब उसी के हिसाब से चलना पड़ता है हमें। और यहाँ पर देखिए पिट्ठी वगैरह सब मेरी तैयार हो चुकी थी, तो अभी मैं बेलन चकला ये सब लेकर ना लग जाऊँगी अपने काम पर, मतलब परांठे वगैरह सेकने के लिए, और सेकूँगी परांठे। और उसके बाद यहाँ पर मैं मतलब बना लूँगी परांठे। हम लोग जा रहे हैं अपना नए काम की शुरुआत करने के लिए और बोर्ड बनवाने के लिए। फाइनली ढूंढते ढूंढते हम दोनों पहुंच गए हैं वहाँ पर जहाँ पर बनते हैं बोर्ड। काफ़ी घूम रहे हैं, धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, और सनी घर पे अकेला है, नहीं मानवी के पास बड़ी वाली बेटी है मेरी, तो मैंने सोचा चलिए बनवा लेते हैं। और लवी मेरे साथ आई है, देखिए, और
लवी की हेल्प के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, सच में वो बहुत हेल्प करती है मेरी और वो बहुत हेल्प कर रही है। राइट हैंड पे देखो तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वहां पर। मेरे को दिक्कत तो रहा था थोड़ा थोड़ा सा, मैंने कहा तो लास्ट में बताया था, बनवाना था अपना जो मुझे बाहर लगाना था पॉल पी को के लिए जो बोर्ड बनवाना था वो लगाना था, मतलब बनवाना था, तो उसी के लिए हम गए थे ढूंढते ढूंढते। और इस काम में मैंने अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व नहीं किया था, उन्हें मैंने बताया भी नहीं, इवन उनके लिए ये सरप्राइज़ है। और यहाँ पर देखिए कितनी तरह के बोर्ड के डिज़ाइन उन्होंने मुझे दिखा डाले थे कि आप इस तरह से बनवा सकते हो, बट ये सब ना कैफ़े वगैरह पे, ये बड़े बड़े दुकान और शोरूम में अच्छे लगते हैं। मुझे तो अपना सिंपल सोवर सा ही एक बोर्ड बनवाना था जिस पर मुझे अपना लिखवाना था स्टिचिंग के बारे में कि भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं, काम होते हैं। तो देखिए काम तो कोई भी बुराई नहीं है, अपना काम तो अपना होता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आई थी इधर वाले रूम में, तो मेरे पास ना दो ही रूम हैं, एक ये वाला और एक उधर वाला रूम, और थोड़ा सा पोर्शन किचन के बाहर है, और बस यही है मेरे पास क्योंकि मैं ऊपर के पोर्शन में रहती हूँ। और जो वो उधर वाला रूम है वो थोड़े ऊंचे में बना हुआ है और थोड़ा सा ये वाला थोड़े नीचे में बना हुआ है, तो बीच में ना सीढ़ियाँ हैं दोनों रूम के बाहर, गैप है, मतलब इधर से उधर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं बीच में। मैं किसी दिन आपको दिखाऊँगी फुल। और अभी फ़िलहाल मैं इस रूम में आई थी आप लोगों से बातें करने के लिए। और इस रूम की ना थोड़ी सी हमने सेटिंग चेंज की है क्योंकि कल से ना बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है, तो छोटी वाली बेटी की ऑनलाइन क्लासेस है, बड़ी वाली को जाना है स्कूल, तो इसी वजह से थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मुझे करना पड़ा थोड़ा सा रूम में चेंज। तो मैं पहले आपको ये दिखा देती हूँ रूम। वो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना मेरी बेटी ऑनलाइन क्लास करने के लिए यहाँ पर लगाई है टेबल और चेयर, और यहाँ पर इसने अपनी बुक सेल्फ के लिए ये लगा लिया स्टडी के लिए, और यहाँ पर रखी हुई है सेफ जो कि मेरे हस्बैंड की है, इसमें उनके ही कपड़े वगैरह रहते हैं। और यहाँ पर ना मैंने सोफ़ा लगा दिया था इधर से, दोनों बराबर बराबर लगाए थे, और सामने रख दी थी कांच की टेबल इधर, और इधर बेड पड़ा हुआ था जो कि मेरी देवरानी का है, और इधर ये मैंने डाल दिया था यहाँ पर दीवान, एक दीवान था मेरे पास वो लगा दिया है यहाँ पर। और इधर मेरा सारा सिलाई वाला कॉर्नर है, ये स्टिचिंग वाला है ना, तो इस तरह से है ये। और इधर ये लवी आ चुकी है, क्या करने आए हो? सुबह इसकी ना ऑनलाइन क्लास है तो ये बहुत एक्साइटेड है और पूरे कमरे को अपना लगी पड़ी है, कभी इधर से सेटिंग करने, कभी उधर से सेटिंग करने, बच्चों को होता है ना थोड़ा सा। और अभी ना उधर से कमरे से लेके आई थी ये कुछ कपड़े वगैरह थे जो कि इधर लेके आई थी, ये इसके टॉय वगैरह हैं, ये चार्ट पेपर वगैरह हैं, ये कुछ DIY कर रही थी वो है, इधर इनका ऑफिस आए थे, ये बैग पड़ा हुआ है। तो इस वाले रूम में ना हम लोग सोते नहीं हैं, तो ये वाला रूम ऐसे ही ज़्यादातर रहता है क्योंकि यहाँ पर ना मेरा स्टिचिंग का कॉर्नर है ये, तो इसी का सामान वगैरह सब यहाँ पर फैला रहता है मेरा। और इधर एक ये बड़ा सा शोकेस है, और ये थे मेरे नए वाले पैर मशीन के जो मैं कल खरीद कर लिख कर आई थी। आप में से काफ़ी सारे लोग इसे पूछ भी रहे थे कि इसका प्राइस क्या है, तो मैंने बताया था वीडियो के एंड में, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, इनका प्राइस 1700 रुपये था। और ये कुछ इस तरह के पाइप के बने हुए हैं, मतलब ये ना वैसे वाले नहीं है, ये पाइप है, देखिए ये पाइप है। और फ्रेंड्स मैं ना दोपहर में घर आ गई थी वहाँ से, और आने के बाद मतलब मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि वीडियो ना फिर काफ़ी लंबी हो जाती, फिर आप लोग कहते कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनाते हो आप, बहुत ज़्यादा लंबी, तो इसी वजह से मैंने वीडियो वहाँ पर रोक दिया था। और अभी आप लोगों से कर रही हूँ मैं बातें, तो फाइनली हमारा ना बोर्ड बनने के लिए दे दिया है, और जो बोर्ड दिया है मैंने बनने के लिए वो मैंने अपनी छोटी वाली बेटी के नाम से दिया है, लवी के नाम से। और इसका नाम मैंने अपनी छोटी वाली बेटी का नाम लवी इसलिए रखा था कि लवी मतलब प्यारी, लवी का मतलब होता है प्यारी बच्ची, मतलब प्यारा, प्यारा सा नाम, तो इसी वजह से मैंने उसका नाम ना लवी रखा था। और ये काम भी मैं अपना लवी के नाम से ही शुरू करने जा रही हूँ, तो इसमें मैं फॉल पीको करूँगी घर, मतलब जो भी कोई आएगा, अल्ट्रेशन का काम भी करूँगी साथ में, और कान्हा जी की ड्रेसेस हैं वो भी बनाऊँगी हैंडमेड, और साथ में अस्तर का काम भी रखा है कि अस्तर का कोई ख़रीदना चाहते तो वो अस्तर भी ख़रीद सकता है मुझसे। तो इस तरह से मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। एक बोर्ड बन जाएगा ना बाहर लग जाएगा तो कोई भी आएगा तो उसको नज़र में आ जाएगा सामने से, क्योंकि मेन गेट जो है हमारा
टी पॉइंट पे है हमारा घर, तो यहाँ पर बिल्कुल जस्ट सामने पड़ता है रोड पे, तो सबको दिखाई देगा आते जाते, तो तभी लोग आते हैं घर पर भी। और फाइनली मेरा ये सपना पूरा हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कह रही थी इनसे, काफ़ी टाइम से बोल रही थी। ये लगा लीजिए मेरी शादी हुई हुई थी ना, तब मैंने ना स्टिचिंग करती थी यहाँ पर, शादी के बाद स्टिचिंग मैंने अपनी शुरू कर दी थी। और मैंने इनको बोला भी था कि मैं ना अपना स्टिचिंग का ना एक बोर्ड लगाऊंगी बाहर, और जिससे लोग आया करेंगे, बट मेरा वो सपना अधूरा ही रह गया था। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था बोर्ड लगाने के लिए बाहर, बिल्कुल कि नहीं बोर्ड नहीं लगाना घर के बाहर हमारी। तो इस तरह से मैंने ना वो फिर सपना अपना मेरा अधूरा ही रह गया था। बट अभी ना मेरी छोटी वाली बेटी ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, आप यकीन नहीं मानोगे। वो मेरे साथ खुद गई और खुद अपने पैसे खर्च करके, उसने मुझे मशीन के पैर दिलाए थे ये पीको के, और उसने खुद अपने पैसे खर्च करके ही मुझे ये बोर्ड बनवा के दिया है ना। और बोल रही थी कि मम्मा आप चिंता मत करो, आपको एक दिन मैं ना बड़ी शॉप करा के दूंगी, हाँ, जो कि मतलब आप चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है ना, मैं आपको एक बहुत बड़ी शॉप खुलवाऊंगी जिसमें आप अपना टेलरिंग का सारा सामान रखोगे, सारा काम करोगे प्रॉपर। तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है जब वो इस तरह की बातें करती है ना, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ना बच्चों के मुँह से ना कही हुई बातें सच हो जाती हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी बच्ची कितना सोचती है मेरे बारे में, है ना। और वहीं ये है ना कि मैंने अभी तक हस्बैंड को बताया नहीं है कि ये बोर्ड मैंने बनवाया है। अगर उन्हें बता दिया तो शायद वो मना कर दें फिर से लगवाने के लिए, बट अभी मैंने कोशिश की है तो देखती हूँ लगवा ही लूँगी। तो आप लोग मुझे बताना आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, और अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कि आपको किस तरह के ब्लॉग्स चाहिए, किस टाइप के ब्लॉग्स चाहिए, या किस टॉपिक पर ब्लॉग चाहिए, क्या चाहिए। और जो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं वो आप लोगों को धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे, क्योंकि अगर एक साथ बताने लगी तो शायद आप लोगों को समझ में भी ना आए, या फिर आप लोग कुछ समझ भी ना पाए। क्योंकि जब तक आप किसी की लाइफ, पर्सनल लाइफ को नहीं जानते, तब तक आप लोग नहीं समझ सकते उसके बारे में सब कुछ। तो इसीलिए मैंने धीरे 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 करके आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ। और करने को तो बहुत सारी बातें हैं, बट ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर, तो इसी वजह से मैंने इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल बटन, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।